जीजू जीजू क्या है, है? इससे तो अच्छा डायरेक्ट जीजू ही बोल दिया करो, बात खत्म। साला दमाद की कौनो इज्जत ही नहीं इनके घर में, ना पानी ना पत्ता कुछ नहीं, यहाँ तक की कुर्सी भी नहीं दिख रही है जबकि फोन करके आए थे। अरे दमाद जी आओ आओ छुटकी, जल्दी से कुर्सी लेकर के आओ, दमाद जी आए हैं। चलो कौनो का तो दमाद की इज्जत है। झूठी बोल रही हो, लड़का बच्चा के कपड़ा हम धोई, उनका नवाई धुआई हम, और काम सारा तुम करती हो। बोले में तो शर्म आ नहीं रही है, हैं? हाँ, तो तुम्हारा लड़का नहीं है क्या? बस हमारे अकेले का पैदा करा हुआ है, हैं? अरे अरे तुमका तुमको तमीज नहीं है क्या? एकदम ही बदतमीज हुई गई हो, ऐसे बात क्यों जाती कहूँ अपने आदमी से? बिटिया तो तुम्हारी है और कैसे बात करी, तुम कौन बड़ी इज्जत देती हो, जैसी मातारी वैसे ही बिटिया। अच्छा हम तो तुमका जैसे झाड़ू से मारे थे, शर्म नहीं आवा थी, ऐसे आदमी इल्जाम लगा रहा कुछ कहे कहीं नहीं। अब लियो ये दोनों जना शुरू हुई गई, ये नहीं कौनो घर आवा है तो शांति का माहौल बनाए रखे, इज्जत डुबा। चुप हो जा तुम कहे बीच में कूद के आगे लगा रही हो, शांत रहो शांत। तू चुप रह खंजू कहीं का, सारा दिन बस गाय का गोबर साठ का मूत लगावे थे बारू गाय खातिर। हम बता ही रहे मम्मी, इनका समझाई लो नहीं तो बहुत बुरा हो जाए, उठाई के पटक दे तो दम निकल गए यहीं का यहीं। अच्छा उठा के हमको पटकोगे, हाथ लगा के दिखाओ, हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में ना दे दिया तो कहीं ना, खुद ही तुमको उठा के पटक दिया। तो उठा के दिखाओ, उठा पाइयो, बेड भरे की हो, हमका उठाइयो। छुपाई जाओ दोनों जने, नहीं आई तो चप्पलें चलिए, जब देखो तो बिल्ली कुत्ते की तरह लड़ रहा था दोनों। यो सब सुनाने लाई रहा है, पूरा परिवार पागल है, एक पागल हमारे पल्ले भी बांध दिया गया है। हाँ, तुम्हारे यहाँ तो सब बड़े ब्रिलियंट है ना, परिवार तक न जाओ बता रहे, मैं तो अभी तो जोर दिखा पाई है और कहो पर तो जोर चलत नहीं है तुम्हें। नहीं तो क्या चाहते हो, तुम कहो तो यहाँ आना छोड़ दे, तुमको सबसे ज्यादा दिक्कत यही बात से है जो यहाँ आवे का परत है। देख ही रहे हो पापा, ये कैसे हमका पगलाए है, हम क्या करी बताओ, जिंदगी साला जहन्नुम हो गई हमारी। अब का कही बच्चा, हम 55 साल से यही सब झेल रहे हैं, अपने जिंदगी बचावा चाहते तो चुपचाप एक कान से इनकी सुनते रहो और दूसरे कान से निकालते रहो, हमारी जिंदगी ऐसे ही बची है। हाँ, हमारी बात कहाँ सुनी जाए, हम पागल हैं जो दिन भर सबकी सेवा में मरी जा रही हैं, काम करे करे यहाँ हमारी कोनो इज्जत ही नहीं है। हाँ यहीं खड़े खड़े हमारी खोपड़ी पर चिल्लाओ, ये नहीं दमाद जी आए कुछ उनके लिए चाय नाश्ता पानी लेकर के, बेइज्जती करवाओ यहाँ पर। अरे क्या करियो चाय नाश्ता ला करके, इतनी बातें सुन लिया, सुन के हमारा पेट और आत्मा दोनों भर गई। मौका छोड़ते नहीं हो हमारे घर वाले को कहने का, बहुत आगे हो ताना मारने में, हमारी सास से ज्यादा हमको ये ताना मारते हैं। और तुम तो जैसे हमको बहुत बख्श देती हो ना, जब देखो तब कई कई के लगी रहती हो। देख रही हूँ मैं, तुम्हारे सामने हमसे ऐसे बतला रहे हैं, सोचो वहाँ हमसे कैसे बात करते होंगे। बात तो सही है दमाद जी, हमारी बिटिया थे, नींके से बात क्यों करो तुम? हाँ, तो अपनी बिटिया का समझाओ ना कि वो भी हमसे नींके से बोला करे। अबे कलाई की बात है, हम आए ना ऑफिस से काम करके, हाथ पैर धो करके बैठे और पूछा लाओ खाना दो क्या बनायो, तो हमते कहती है कि जहर बनाया जाके खा लो। बताओ ऐसे तो हमका जवाब देती है, संस्कार नाम की चीज नहीं है इनमें। हाँ, ये तो दहेज में कार ले लो, नहीं तो संस्कार ले लो, तुमको तो चाहिए थी कार, मिल गई
तो बात बताओ मम्मी जी, हम कौन है? दामाद हो हमारे, और कौन हो? मैं बिटिया के पति हूँ तुम। तो फिर खाली चाय लेके कहा आई हो हैं? अरे बच्चा सही से देखो, खाली कहाँ है, पूरा तो कप भरा हुआ है। अरे यार, हमारे कहने का मतलब है कि चाय के साथ ना नमकीन है ना बिस्कुट है। बताओ, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। कौन कहेगा कि हम दामाद हैं इस घर के? इज्जत ना मांगने से नहीं, कर्मों से मिलती है, कर्मों से, समझे कि नहीं? ऐसा है, यू धरी है तुम्हारी चाय और यू धरा है तुम्हारा सामान, बहुत हो गया। अब हम तो इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। हम जा रहे हैं अपने घर, डर वो है वो सब तुम्हारा सामान, टाटा बाय बाय। हमको नहीं रुकना है, अब यहाँ हम दो मिनट नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं। तुम्हारी बिटिया तुम्हारे पास और हम अपने घर, टाटा बाय बाय।